हेलो 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 एवरीवन। सो आज मैं गई थी सरोजनी नगर दिल्ली दिल्ली में समर कलेक्शन देखने के लिए। तो पहले मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले मैं लाजपत नगर गई थी, तो वहाँ पे मैंने दिखाए थे अंडर 300 रुपीज़ क्या क्या सामान, क्या क्या अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं वो सब मैंने दिखाए थे। ये सब जो इयर रिंग देखते हो वो सब 50 रुपीज़ के है। तो वो लाजपत नगर की वीडियो आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए, थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मैं आई हूँ सरोजनी नगर समर कलेक्शन देखने के लिए। तो ये सब बैग जैसे आप देख सकते हो 250 के है, और जितने भी मैंने ड्रेसेस हो, चाहे हो टॉप हो, जीन्स हो, चाहे भी कोई भी कपड़ा मैंने दिखाया हो, उसके ऊपर मैंने जो प्राइस है वो भी शो किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, जान सको कि वो एक्चुअली किस रेंज में है। जो और जहाँ पे मतलब नहीं देख पा रहे हो कि कितने प्राइस में है, वो मैं बाद में कोड कर दूंगी, ठीक है। तो और एक बात, मैं एक भी शॉप नंबर नहीं बताए है, क्योंकि देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बहुत सरोजनी जाती हूँ, तो मुझे पता है कि एक अंधे इंसान को भी अगर आप सरोजनी छोड़ दोगे तो वो भी बहुत सारा ढेर सारा शॉपिंग करके आएंगे। तो शॉपिंग करने के लिए आपको शॉप नंबर के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सरोजनी जाओ, अच्छी तरह से मार्केट को एक्सप्लोर करो, देखो जो मतलब जैसे मैंने पहले भी वीडियो पे बोले हैं, सरोजनी जाने से पहले आपको बस दो चीज़ लेने की ज़रूरत है, एक बड़ा सा बैग और एक मतलब उसके साथ ढेर सारा पेशेंस, ये सब दोनों लेके जाओ और आँख खुला रहो, बस आप ढेर सारा शॉपिंग करके लाओगे। जो इस बार मैंने जो देखा है स्पेशल सरोजनी में, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए थे नाइट सूट में, ये सब जो आप देख रहे हो नाइट सूट, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, 150-200 में अच्छे क्वालिटीज़ के थे। और टॉप तो वैसे होता ही है, वन पीस ड्रेस, ऐसे अगर आप गोवा ये सब कहीं पर भी बीचेस जगह पर घूमने जाते हो तो वहाँ पर जाने के लिए ढेर सारा आपको सामान मिलेगा, मतलब वन मीन्स ढेर सारा कपड़े मिलेगा कम दामों में, कम रेट में। तो जैसे कि ये सब वन पीस ड्रेस बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ के थे, कॉटन के ऊपर थे, समर टाइप थे। तो बस, तो अगर आप आँख खुला रखोगे तो सच बता रही हूँ, बहुत खाली हाथ तो ऑब्वियसली नहीं आओगे, ढेर सारा सामान के साथ आप घर लौटोगे और एकदम आपके मन खुश हो जाएगा। तो वहाँ पे एक आंटी के पास अच्छे अच्छे ज्वेलरीज भी मिल रहे थे, तो सब वो सब मतलब मिक्स रेट में थे, लाइक 200-250-500 ऐसे रेट में थे। और ये एक बैग की शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के बैग मिल रहे थे। ये बैग का रेंज भी 200 था, 500-800 ऐसे करके था, मिक्स प्राइस था। तो जैसे सच में बैग्स की कलेक्शन इस शॉप में अच्छे थे। तो मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री किए थे, तो बस ये बैग की दुकान एकदम राइट साइड में ही पड़ता है। तो ज्वेलरीज भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, झुमके अच्छे अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे जितने भी झुमके हैं ज़्यादातर 200-250 की है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये एक शॉप था जो जिसके अंदर देखिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे, यार सच में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे। मैं अंदर नहीं गई, बस बाहर से ही कैप्चर किए थे। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट कपड़े, ओ माय गॉड, जैसे वो ये जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेफिट लेन अभी बंद है, तो वहाँ पर सामान नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर जिस तरीके की सामान मिलती है, जैसे मेनली वाइट कपड़े मिलते हैं, तो यहाँ पर इस एक स्टॉल के बाहर बहुत अच्छे अच्छे ये है, ग्रेफिट लेन जो अभी खाली पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे 100 में टॉप मिल रहे थे। और यहाँ पे देखिए 100 में कितने अच्छे अच्छे स्कर्ट मिल रहे थे, यार मतलब सच में, बस आप जाओ विजिट करो सरोजनी इस समर में। और आप जितना लेट जाओगे, मतलब और भी आप 1-1.5 महीने बाद जाओगे, तो और भी कलेक्शन आएंगे, ऐसा नहीं है कि कलेक्शन आना बंद हो गई है। और ये एक शॉप था जहाँ पर घर डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी सामान थी। तो और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये स्कर्ट थी, प्लाजो थी, ये सब भी 200 के थे। तो सच में आगे आप देखना कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे, यार सच में। और ये तो कितने में, 200 में या ऐसे ही कुछ है, हाँ 200 में है।
तो सच में जैसे मैंने बोला है, बस आप सरोजनी जाओ और बस आँख खुला रखो, आपको निराश नहीं करेगा। और यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रश मिल रहे थे, जिम में आप ये सब कैरी कर सकते हो, और ये सब सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के थे। और इस शॉप में ना शूज़ भी मिल रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ में मिल रहे थे। नॉर्मली 200-250 के थे, और ऐसे 500-800 के भी थे। ये आंटी के पास ना ये शूज़ वाले जो मैंने शॉप दिखाई उसके सामने ही बैठे हुए थे एक आंटी, इन आंटी के पास कितने अच्छे अच्छे ज्वेलरीज थे, सब 200-250 इस रेंज में ही थे। तो बस आई होप इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे अगले।